जीवन में एक ऐसा क्षण भी आता है जब अपना ही ये जीवन बहुत विचित्र लगने लगता है, जब सोच से उस पार, कल्पना के जगत से भी उस पार हम निकल आते हैं, तब ज्ञान के एक ऐसे चौराहे पर हम आकर खड़े हो जाते हैं जहां न तो आगे का रास्ता नजर आता है और न ही हम ये सोच पाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर मनुष्य को केवल ये महसूस होता है कि उसका काम केवल धन कमाना है, विवाह कर लेना है, संतानोत्पत्ति है, जीवन में प्रेम कर लेना है और किसी ऊंचे पद अथवा गरिमापूर्ण प्रतिष्ठापूर्ण किसी पद को प्राप्त कर अपने नाम को आगे बढ़ाना है। लेकिन सब कुछ करके देख लिया, तुम्हारे पास पत्नी भी है, तुम्हारे पास यदि पुत्र भी है, तुम्हारे पास धन भी है और तुम्हारे पास भूमि और भवन भी है, तब भी यदि तुम्हारे मन में कुछ टीस बाकी बची रहती हो, तब भी तुम्हें लगता हो कि अभी कुछ छूट रहा है, तब भी यदि तुम्हें निराशा घेर लेती हो और रह रहकर तुम्हारे मन में अपने जीवन को जान लेने की जिज्ञासा उठती हो, तो समझ लेना अब गुरु दीक्षा का वक्त हो गया है। आमतौर पर गुरु दीक्षा किसी भी गुरु से जुड़ने का माध्यम या एक वो तरीका है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हम इस पंथ, इस परंपरा या इस विचारधारा से जुड़े हैं। दीक्षाओं के विषय में अग्नि पुराण ने थोड़ा बहुत विवरण दिया है, दीक्षाओं का वर्गीकरण भी किया है, कोई मांत्री, शांभवी, शक्तिपात, उधरपात, ब्रह्मपात इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने प्रकार की दीक्षाओं का विवरण है। और जो तंत्र क्षेत्र के साधारण गुरु हैं वो तो मनोकामना पूर्ण दीक्षाएं भी देते हैं, विवाह प्राप्ति दीक्षा, पुत्र प्राप्ति दीक्षा, मनोकामना प्राप्ति दीक्षा, प्रेमिका प्राप्ति दीक्षा, धन प्राप्ति दीक्षा, लक्ष्मी प्राप्ति दीक्षा, ऐश्वर्य प्राप्ति दीक्षा, सौंदर्य प्राप्ति दीक्षा, विद्या दीक्षा। लेकिन जिस दीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, इस दीक्षा के सामने कोई दूसरा नहीं ठहर सकता। जब जीवन में चेतना का स्तर धीरे धीरे गुणित होते होते ऐसे स्थान पर जाकर अटक जाए जहां अब सब कुछ निरस लगने लगे, जहां सभी रस तुम्हारे पास हों लेकिन उन रसों का स्वाद स्वयं जाता रहे, तब समझना चाहिए कि अब चित्त को वास्तविक वैराग होने लगा है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और तब भी तुम्हारा मन किसी अज्ञात की खोज के लिए तुम्हें प्रेरित करता है, तो गुरु दीक्षा लेने का सही वक्त आ गया है। अक्सर हम गुरुओं से तब दीक्षा ले लेते हैं जब हम अध्यात्म के जिज्ञासु होते हैं, जब हमने धर्म को भली प्रकार जाना भी नहीं, जब हम अध्यात्म का कोई विशेष बिंदु तक नहीं जानते। ऐसी अवस्था में हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारे आंकलन के अनुसार तेजस्वी और तीव्र बुद्धि का हो उसे गुरु बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर और ईश्वर के रहस्य अनंत है। बहुत कम गुरु या सदगुरु ऐसे होते हैं, बहुत कम संत या सज्जन ऐसे होते हैं, बहुत कम योगी परमहंस ऐसे होते हैं
जो वास्तव में किसी दिव्य पुंज से जुड़े होते हैं। जिस दिन ऐसे पुरुष के पास जाकर तुम दीक्षित हो जाओ तो जीवन फिर बदलने लग जाता है। जीवन की धारा एक दूसरी गति पकड़ लेती है। दीक्षाओं के कई भेद हैं। तंत्र पंथ की दीक्षा सात्विक दीक्षा, लेकिन गुरु से जुड़ने का जो सबसे साधारण और सहज सरल माध्यम है वो गुरु दीक्षा कहलाती है। लेकिन इतना ही ना समझना कि दीक्षा का मतलब केवल इतना ही है, क्योंकि अक्सर जब भी तुमसे दीक्षा के संबंध में कुछ पूछा जाएगा तो तुम केवल इतना जान सकोगे या इतना ही बता सकोगे कि गुरु के शिष्य हो जाने को गुरु दीक्षा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर से जुड़ जाने को गुरु दीक्षा कहा जाता है। जिस दिन तुम्हें इस बात की सच्ची खबर मिल जाए कि हां परमात्मा है, जिस दिन तुम इस बात पर यकीन करो कि तुम्हारा अस्तित्व उस परमेश्वर के कारण है, उस दिन मान अपमान से ऊपर उठकर तुम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो और उसे मूर्त रूप देने में जो सहायक है वही विधि दीक्षा कहलाती है। दीक्षा संसार के लगभग सभी धर्मों में है। उसके नाम अलग हैं, उसके भेद अलग हैं, लेकिन बस वो जुड़ जाने की एक प्रणाली है, ये सारांश में कहा जा सकता है। ईसा मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो दीक्षा की एक विधि तो है। नदी के भीतर वो डुबकी लगाते हैं। आज भी भारत में तीर्थ स्थानों को देख लो, हजारों श्रद्धालु नदी के किनारे डुबकियां लगाते नजर आएंगे। आखिर इस डुबकी का रहस्य क्या है? इस डुबकी का रहस्य केवल इतना है कि डूबने का अर्थ है खो जाना, मिल जाना, एकाकार हो जाना। प्राचीन पंथ में जो दिव्योग गुरु होते हैं वो अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए। वो अपने शिष्यों को नदी अथवा तालाब के किनारे इकट्ठा कर लेते थे और उन पर मंत्र फूंकते हुए उन्हें सर से पकड़कर नदी के बीच डुबा देते थे। इस प्रकार तीन डुबकियां देने के बाद वो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग का पथिक हो जाता था और ईश्वर से जुड़ जाता था। ये एक परंपरा है। लेकिन जहां जल भी नहीं होता वहां पर वायु के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर गुरु ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाता है जहां उसकी पीठ की तरफ से तेज हवा आ रही हो और शिष्य गुरु के ठीक सामने भूमि पर बैठ जाता है। गुरु के पीछे से बहकर आने वाली हवा को महसूस करने का प्रयास करता है और जब शिष्य के हृदय के तार गुरु के हृदय के तार से जुड़ जाते हैं तो दोनों के बीच एक अनदेखा अनजाना एक गहरा संवाद होने लगता है। यही वायु दीक्षा है। इसी प्रकार एक अग्नि दीक्षा भी होती है जिसे अग्नि भेद कहा जाता है। अग्नि के सम्मुख यज्ञ कुंड बनाकर उसमें आहुतियां देते हुए जो दीक्षा दी जाए वो अग्नि दीक्षा है। कई बार तो गुरु और शिष्य दोनों अग्नि के अलाव में कूद जाते थे।
और धीमी गति से बाहर भी निकल आते थे। इस तरह की विचित्र दीक्षा को अग्नि दीक्षा कहा गया। ऐसी ही सूर्य दीक्षा होती है, ऐसी ही आकाश दीक्षा भी होती है, ऐसी ही मंत्र दीक्षा भी होती है। लेकिन इन सभी दीक्षाओं का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक तुम स्वयं भीतर से जाग न जाओ। अगर तुम्हारे मन में कोई दूसरी ललक है जो इस दुनिया से जुड़ी ललक नहीं है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें अपनी चेतना को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम इस दुनिया से उस पार देखने की कोशिश तो कर रहे हो। इन आंखों ने इस जगत में जो देख लिया, दुनिया केवल उतने ही नहीं, जगत और संसार केवल उतना ही नहीं, इन आंखों से ऊपर भी एक आंख है। जब तुम उससे देखने लगोगे कि दुनिया कैसी है तो दुनिया का एक नया रूप, एक नया रंग नजर आने लगेगा। इसलिए एक नई विचारधारा जब उसका बीज तुम्हारे भीतर वृक्ष बनने के लिए उबाले लेने लगे तो वो दुख का नहीं बल्कि खुश होने का समय। तुम्हें तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए कि करोड़ों लोगों के बीच तुम्हारे मन में आज वो भाव आया है कि तुम किसी पथ में दीक्षित होना चाहते हो। किसी जीवित जागृत व्यक्ति के पीछे हो लेना, किसी युग पुरुष के साथ चलना, ये अपने आप में एक अनूठा और विरला अनुभव है। वरना मर तो तुम भी रहे हो, मर तो हम भी रहे हैं, प्रतिक्षण प्रतिपल। आईने में अपनी सूरत तो देखो, कभी गौर से निकट शीशे को बिल्कुल नजदीक लाकर। तुम्हारे दांतों में अब दरारें पड़ने लग गई, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियों ने जन्म ले लिया है, तुम्हारा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारी हड्डियां जितनी विकसित होनी थी वो हो चुकी हैं, अब उनके ढलने का वक्त है। सर के बाल झड़ रहे हैं, शरीर की नाड़ियों में अब वो जान नहीं रही जो पहले थी। पहले तुम्हारी हड्डियां बंद रही थी, अब तुम्हारी हड्डियां अपना आखिरी स्वरूप धारण कर रही है। तुम पुरानी और खराब गाड़ी को तो बदलवा लोगे, तुम अपने पुराने उपकरणों और सामानों को भी ठीक करवा लोगे, नया रंग रूप दे दोगे, लेकिन अपने साथ क्या करोगे? तुम अपने शरीर की सारी हड्डियों को कैसे बदल सकते हो? तुम अपने सारे शरीर की त्वचा को कैसे बदल सकते हो? तुम अपने आप को जवा कैसे रख सकते हो और कैसे तुम अपने आप को अपने अंत से बचा सकते हो? जब तुम्हें प्रतिपल ये क्षय दिखाई दे रहा है तो तुम उपाय क्यों नहीं करते? और अगर तुम उपाय के बारे में सोच रहे हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने ऐसा सोचा तक नहीं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं एक दिन हमारे बिना ये दुनिया रहेगी। तो इसके बीच में जब तक जीवन है तब तक यदि तुम उत्सव नहीं मना सके, आनंद नहीं मना सके, मौज नहीं कर सके, तो फिर जीवन का कोई सार नहीं रह जाए। और यहां लोग थोड़ी सी गलती भी करते हैं, मैंने देखा है, मौज करने का तात्पर्य कुछ और है और वो समझते कुछ और। एक नई युवा पीढ़ी बनती है जो 4-5-6 दिन लगातार जी भर के काम करते हैं और 6ठे 7वें दिन मौज मस्ती करती है।
लेकिन मौज मस्ती की परिभाषा क्या? नशे का सेवन करना, संगीत के ऊंचे स्वर और ताल पर झूमना, अजीबोगरीब वस्त्र पहनना, जितना हो सके मादक द्रव्यों का सेवन करना और रात भर अपने आप को थका देना, अपने शरीर के साथ एक तरह का जुल्म करना और अगले दिन फिर थोड़ा सा विश्राम कर अपने काम पर लौट जाना, ये मौज नहीं है। तुम्हारे भीतर एक अनुभूति है, एक चेतना है जो चाहती है तुम्हें आनंद मिले, तुम मौज में रह सको, लेकिन इसके लिए जो तुमने उपाय खोजा है वो गलत है। अभी तुम भीतर आनंद लेने के लिए बाहर से संगीत सुन रहे हो, बाहर के संगीत की तान तुम्हारे कान के द्वारा भीतर जा रही है और तुम्हें रोमांचित कर रही है, जबकि दीक्षा का अर्थ कुछ और है। दीक्षा का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर से संगीत बजने लगे और वो तुम्हारे कान, आंख, नाक और इंद्रियों के माध्यम से फूट फूट कर बाहर आने लगे। अभी मस्ती में डूबने के लिए, आनंद में डूबने के लिए तुम बाहर से नशा करते हो जो इस शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन दीक्षा का तात्पर्य है तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपने होने का बोध हो, तुम्हारे अपने होने का नशा हो, अस्तित्व का नशा हो, उस परमात्मा का नशा हो, और वही नशा भीतर से फूट कर तुम्हारे शरीर पर निखर कर आए और तुम्हारे शरीर से भी किरणों और तरंगों के द्वारा बाहर फूट फूट कर निकलता रहे, ऐसा नशा जो फिर उतरने वाला नहीं। तो तुम जिस आनंद की बात करते हो वो बाहरी है, तुम उसे बाहर से भीतर, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर ले जाते हो, लेकिन फिर भी भीतर जाकर वो कोई विशेष लाभ तुम्हें नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो क्षणिक है। जब तक वो नशा है और उसे सहने की तुम्हारे शरीर में क्षमता है, तब तक तो तुम झूमोगे, कुछ क्षण के लिए भूल जाओगे। जब तक ऊंची तान पर संगीत बज रहा है, तब तक तो तुम एकदम इस दुनिया से कटे हुए से, मानो समाधि की अवस्था में झूमते हुए से महसूस करोगे, लेकिन ज्यों ही संगीत बंद हुआ, ज्यों ही नशे की खुमारी उतरी, उसके बाद तुम्हारी मौज का क्या हुआ? ऐसी थोथी मौज के पीछे तुम क्यों पड़ते हो? उससे बचो और दीक्षा लो, दीक्षित हो जाओ एक ऐसे निराले पंथ पर जो तुम्हें तुमसे मिला सके, जो तुम्हें उस पार ले जा सके जहां जाने की राह सैकड़ों संत, सूफी फकीर, नबी और बहुत से पैगंबर दिखाते आए। वक्त रहते जागना होगा, क्योंकि जब वक्त निकल जाएगा तब कुछ ना हो सकेगा। अभी जाग जाओ इसी क्षण, और जब तुम जागते हो तो उस जागने की एक विधि होती है। जागने के बाद तुम्हारी ऊर्जा कहीं भटक न जाए, कहीं उसका तेज, उसकी धार कहीं कुंठित न हो जाए, तुम्हारे भीतर की त्वरा कहीं मलिन न हो जाए, तुम्हारी चेतना फिर से कहीं औंधे मुंह नीचे की ओर न हो जाए, जिसे अधोमुखी चेतना कहा जाता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम एक ऐसे पथ से जुड़ जाओ जो उस पथ से जुड़ा है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तुम अपनी कलाओं को बढ़ा सकते हो, तुम अपने विज्ञान को बढ़ा सकते हो, तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा सकते हो, तुम अपने माध्यमों को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इन सब के बावजूद तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। सभी आनंद होते हुए भी यदि तुम्हें आनंद महसूस नहीं हो रहा तो तुम्हें
उत्सव मनाना होगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना अब किसी नई तलाश में है। तुम इस दुनिया को देख चुके हो, और जो इस दुनिया को देख चुका हो पूरी तरह, अब वो इस दुनिया के झमेले में पड़ने वाला नहीं। वो दुनिया को जान गया है, वो दुनिया में जीता रहेगा जैसे मैं जी रहा हूं, जैसे तुम जी रहे हो, लेकिन फिर भी उसका मन कहीं और रहेगा। जब ऐसा प्रेम, ऐसी ललक भीतर उठे, तो फिर दौड़ते हुए ऐसे गुरु के पास जाना जो किसी नदी के तट पर, किसी पर्वत शिखर पर, किसी यज्ञ कुंड के पास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आओ और जल में डुबकी ले सको। और जब तुम डुबकी लेकर ऊपर उठो, तो तुम इस जीवन से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे जीवन में एक दूसरा अवतरण हो चुका हो। अब तुम वो न रहे हो जो तुम पहले थे। तो दीक्षा को साधारण शब्दों में, सारांश में, केवल रूपांतरण कहा जा सकता है। अभी तुम दुनिया से जुड़े हो, इंद्रियों से जुड़े हो। जुड़ोगे तो तुम दीक्षा के बाद भी, लेकिन तुम इंद्रियों से नहीं, अतिंद्रियों से जुड़ोगे। अभी तुम एक से जुड़े हो, फिर सबसे जुड़ोगे। अभी तुम्हें केवल अपना बोध है, फिर सबका बोध होगा। अभी तुम ईश्वर को नहीं जानते, तब तुम जान जाओगे। अभी तुम ईश्वर पर 100% विश्वास नहीं करते, केवल उसे मानते हो, तब तुम 100% उसे मानने लग जाओगे। केवल मानने ही नहीं, बल्कि उसे जानने भी लग जाओगे। तब तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से बदल गया होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम दीक्षा के अर्थों को समझो। केवल गुरु दीक्षा ही सब कुछ नहीं, केवल सरस्वती दीक्षा, लक्ष्मी दीक्षा ही सब कुछ नहीं, केवल मांगलिक दोष निवारण दीक्षा या कालसर्प दीक्षा ही सब कुछ नहीं। तुम्हें इन दीक्षाओं की नहीं। यदि तुम्हारे मन में कोई और पीड़ा है जो इस जीवन से जुड़ी नहीं, तब तुम्हारे जीवन में असली दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। जैसे ही तुम इस पथ पर दीक्षित होगे, तुम एकदम उस धारा से जुड़ जाओगे जिस धारा से जुड़ना शायद तुम्हारा या तुम्हारी चेतना का लक्ष्य रहा हो। इसलिए दो क्षण ठहर कर सोचो, कुछ क्षण विराम दो, जीवन की आपाधापी को छोड़ दो। कुछ क्षण के लिए ठहर जाओ, जहां तुम हो वहीं वैसे के वैसे। कुछ क्षण हिलो नहीं, कुछ क्षण अपने हृदय में विचार ना आने दो। कुछ क्षण कुछ ना देखो, अपनी आंखों को खुला ना छोड़ो, क्योंकि इन खुली आंखों से जो जो तुमने देखा वो तुम्हारे काम ना आ सका। अब आंखें मूंद लो, तो मूंद कर जो मिल जाएगा शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। अपने आप को भीतर और भीतर गहरे में उतारो, क्योंकि भीतर ही कहीं खोज शुरू हो चुकी है। अगर तुम भीतर परिवर्तन को अनुभव करते हो, अगर तुम अब भी महसूस करते हो कि तुम्हारा जीवन इस दुनियादारी से नहीं चलने वाला, अगर तुम्हें अब भी प्रतीत हो रहा है कि तुम परमात्मा के संदेश को सुन सकते हो, अगर तुम्हें अब भी विश्वास है कि तुम सीधे उससे अपने तार जोड़ सकते हो जिसने इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि को रचा है, तो तब तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ऐसी ठीक परिस्थिति में अगर एक गुरु तुम्हें कोई भी दीक्षा दे दे, अग्नि दीक्षा, जल दीक्षा, वायु दीक्षा, आकाश दीक्षा, तो पंच तत्वों से तुम परिपूर्ण हो जाओगे और अपने भीतर सोए हुए एक अवतार को, क्रांति बीज को देख सकोगे, और फिर एक नए मसीहा का पदार्पण होगा,
एक नए युग पुरुष का पदार्पण होगा, एक ऐसा युग पुरुष जो तुम्हारे जीवन में क्रांति लाने में समर्थ है। सार और संक्षिप्त में मैं केवल इतना ही कह पाऊंगा कि जो ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता रचयिता है, उसके वचन से जुड़ जाना, उसकी आस्था से जुड़ जाना, उसकी परंपरा से जुड़ जाना दीक्षा है। और एक ऐसा गुरु जो उसकी खोज में लगभग पागल हो चुका हो, दर दर भटक रहा हो, बनो बनो, शहर शहर, गांव गांव, ऐसा गुरु तुम्हें मिल जाए, तत्क्षण उनके चरणों में गिरकर अपने आप को दीक्षित कर लेना, क्योंकि उससे जुड़ने का नाम ही दीक्षा है। दीक्षा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ।